पहले ये बड़ा वाला पत्थर लगाना, ये ठीक है। इस पत्थर को लगाने के बाद में एक 4 इंच का पट्टा लगाना, ये वाला, ये 4 इंच का पट्टा पूरा लंबा लगा दो, एयर लाइट से चिपका देना इसे। फिर गुनिया लेकर और यहाँ पे गुनिया कर लेना, ये ऐसे, ये गुनिया में ऐसे यहाँ एक पट्टा लगा देना, ठीक। एक पट्टा लगा के फिर इसको सुखा लेना, इस पूरे को। और जब आप कटिंग करोगे तो पहले आप और एक पट्टा यहाँ लगा लेना, पत्थर के हिसाब से उतनी दूरी लेके, और थोड़ी ज़्यादा दूरी लेके यहाँ पे लगा देना एक पट्टा, और ये बीच में तुम्हारी कटिंग होगी, कटिंग के लिए जगह बचा लेना। और जब कटिंग करोगे तो ये वाला ब्रास 5 mm का, 10 mm धारसू पीछे हटा के यहाँ, और यहाँ 10 mm पीछे धार से हटा के पूरा पीछे से निशान लेना फिक्स। और लेने के बाद में उस पर तुम टाइल ले लेना, टाइल, ठीक है, या फिर टाइल ले लेना, एक टाइल लेके नहीं आ, उसी के नाप की टाइल लेना, पत्थर के नाप की, और पीछे से इसको नाप लेना। अगर ये 1 फिट है, 1 फिट है तो 1 फिट की 12-18 का पीस है आपका, तो 12-18 के पीस में से आप 4 इंची पीस कम कर लेना धार बनाने के लिए, उस टाइल को पीछे लगा लेना पत्थर के, और मशीन चला देना। यहाँ से आपको कटिंग करनी है, ठीक है, धार इस तरीके से, और फिर दूसरी तरफ इसको पलट लेना, नो, ठीक है। और पीछे की साइड में फिर इसमें ब्रास 5 mm फंसा देना यहाँ, और फिर इसे यहाँ यूँ फंसा करके फिर यहाँ से इसे कटिंग कर देना, ठीक है।